गाड़ी लेने के बाद आप जियो या मरो, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। और स्पेशली ये कि हम चाइनीज प्रोडक्ट को कभी भी प्रमोट नहीं करेंगे, क्योंकि इंडिया में ऐसे भी लोग हैं जो कि चलती हुई लाइन में बिजली के खंभे से बिजली चुरा लेते हैं कांटा लगाकर, वो लोग सेफ्टी को क्या समझेंगे। ट्रू यार। मोदी जी कहते हैं कि आत्मनिर्भर बनो, देसी ब्रांड की ही चीजों को खरीदो। अगर हम बात करें अपने फील्ड की, यानी कि ऑटोमोबाइल की, यानी कि गाड़ियों की, अगर हम बात करें तो यहाँ पर दो ही देसी कंपनी है, टाटा और महिंद्रा। और आत्मनिर्भरता के इस दौर में कई लोग बातें तो कर रहे हैं कि इन दोनों देसी कंपनियों की गाड़ी खरीद कर भारत के विकास में सहयोग करेंगे, लेकिन यहाँ पर मैं एक बात आपको क्लियर कर दूं, फिर भी इन दोनों कंपनियों की सेल्स फिगर में कोई फर्क नहीं आ रहा, यानी कि बढ़ नहीं रहे हैं। इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हम आपको ये चीज बता दें कि इसको जो है इमोशनल होकर के ज्यादा ना देखिएगा, थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा कि कहां पर हमें किन चीजों की ज्यादा जरूरत है। इन दोनों कंपनियों के सेल्स फिगर नहीं बढ़ रहे, इसमें लोगों की कोई गलती नहीं है। उन लोगों को अपने पैसे की भरपूर वैल्यू चाहिए, जो कि एक 100% सही बात भी है। तो क्योंकि उन लोगों को अपने पैसे की भरपूर वैल्यू चाहिए, तो चाहे वो चाइनीज ही कंपनी क्यों ना हो, वहां पर भी वो जाकर के खरीद लेंगे। और इस चीज के अंदर कोई गलत चीज नहीं है, वो ये चीज करने के लिए स्वतंत्र भी है, लेकिन वो ना चाहते हुए या चाहते हुए या अनजाने के अंदर जो है वो स्वदेशी कंपनियों को ठुकरा जाते हैं। इस वीडियो के अंदर हम आपको बताएंगे कि क्या कुछ ऐसी मजबूरियां रहती हैं उन लोगों की, क्या कुछ कमियां रहती हैं हमारी स्वदेशी कंपनियों की, जो चाहकर भी लोग उनको नहीं खरीद पाते हैं। इस वीडियो के अंदर हम लोग हमारे ओपिनियन जो है आप लोगों के साथ शेयर कर रहे हैं। आप लोग भी 100% स्वतंत्र हैं कि आप अपने जो ओपिनियन है वो हमारे साथ शेयर कीजिए कमेंट बॉक्स में। तो सबसे पहला रीजन ये है कि देसी कंपनियां जो हमारी है उनके पास जो है प्रोडक्ट ही नहीं है। अगर आप एंट्री लेवल प्रोडक्ट की बात करें तो जैसे कि मारुति के पास एस्प्रेसो है, मारुति के पास ऑल्ट्रो 800 है, जैसे रेनो के पास जो है क्विड है, और डेटसन के पास रेडिगो है, इस टाइप के प्रोडक्ट है ही नहीं। आपने देखा होगा उनका सेल्स फिगर कितना ज़्यादा वॉल्यूम में वो गाड़ियाँ बिकती हैं, लेकिन ना तो टाटा के पास है ना तो महिंद्रा के पास। महिंद्रा के पास KUV है, एंट्री लेवल प्रोडक्ट जो कि 5.5 लाख से स्टार्ट होता है, और टाटा के पास है टियागो जो कि 4.6 लाख से स्टार्ट होता है। और रवि, इन विदेशी कंपनियों की थोड़ी सी स्मार्टनेस इस चीज़ से भी देख सकते हो, अगर इन्होंने 7 सीटर भी लॉन्च करी है तो वो भी चीपेस्ट प्राइस के अंदर। रेनो ट्राइबर देख लो, ठीक है, अगर किसी को 7 सीटर की जरूरत है तो भी बंदा वहीं पर जाएगा। एंट्री लेवल प्रोडक्ट तो छोड़ो, महिंद्रा जैसी कंपनी के पास ना तो कोई कॉम्पैक्ट सेडान है ना ही मिड साइज सेडान है, तो बायर के पास कोई चॉइस ही नहीं है, वो तो दूसरी कंपनी की तरफ जाएगा ही जाएगा। प्रोडक्ट होने काफी जरूरी हैं। इस वीडियो को आप किसी भी तरीके से ये मत देखिएगा कि हम आलोचना कर रहे हैं उनकी, ठीक है, लेकिन जब बायर के पास जो है ऑप्शन बचेंगे, ऑप्शन रहेंगे, तभी तो वो इन प्रोडक्ट्स के ऊपर जाएगा ना, तो ये एक तरह की डिमांड होनी चाहिए हम लोगों की। दूसरा जो सबसे बड़ा पॉइंट निकल करके आता है, जो कि बहुत प्रैक्टिकल भी है, जो कि आप भी भली भांति जानते हैं कि आने वाला जो टाइम है वो डीजल की बजाय पेट्रोल गाड़ियों का है, लेकिन हमारी इंडियन कंपनीज के पास छोटे जो पेट्रोल इंजन हैं उनकी बिल्कुल कमी है यहाँ पर, या यूं कह लीजिए कि उस लेवल के पेट्रोल इंजन नहीं है जो कि कॉम्पिटिटर के अंदर जो है, जो कि कॉम्पिटिशन के अंदर जो गाड़ियाँ दे रही हैं। महिंद्रा का पेट्रोल इंजन कहते हैं आने वाला है, और हम काफ़ी समय से सुनते हुए आ रहे हैं कि आने वाला है, लेकिन वो आज भी आने ही वाला है। जेस्ट टाटा की अगर बात करें तो जेस्ट के पास एक, मतलब जेस्ट गाड़ी के अंदर एक बहुत बढ़िया इंजन था, लेकिन उसका भी टाटा ने पत्ता साफ कर दिया, जो कि इन गाड़ियों की टक्कर ले सकता था। और वही तीसरी एक और बात निकल के आती है कि इनके प्रोडक्ट को लॉन्च करने का तरीका मुझे तो खास करके इनका समझ में नहीं आया। टाटा की बात कर लेते हैं, टाटा ने अल्ट्रोज लॉन्च करी, बातें तो बहुत बड़ी करी, लेकिन शुरुआत में सिर्फ पेट्रोल इंजन दिया, डीजल भी इन्होंने लॉन्च किया था लेकिन आया काफी लेट में हो, लोग उसे काफी देर में खरीद पाए, और ना ही उसका जो है टर्बो अभी तक आया है, ना ही ऑटोमेटिक अभी तक आया है, और साथ ही साथ इन्होंने हैरियर के साथ भी ऐसा करा, गाड़ी एकदम फर्स्ट क्लास थी, ना तो उसमें पेट्रोल इंजन था, और अब जाके उन्होंने ऑटोमेटिक दिया है, तो इतनी देर में बायर जो है ना दूसरी कंपनियों में शिफ्ट हो जाता है, उसको तो उसी टाइम पे खरीदना है यार, वो इंतजार थोड़ी करेगा टाटा जब लॉन्च करेगी तब मैं जाकर लूंगा, ऐसा थोड़ी होता है।
बिल्कुल, और जो पब्लिक है वो तभी इमेज भी बना लेती है यार कि प्रोडक्ट कितना चल रहा है मार्केट में या कितना नहीं चल रहा है। तो कहने का मतलब है जो बोली जाती हैं चीजें उसको तुम लॉन्च तो करो यार, टाइम पे तो लॉन्च करो, ताकि जो पब्लिक ख्वाब देखती है आपकी गाड़ी खरीदने के उसको समय पर ले तो पाए। जैसे कि डीजल का काफी देर तक इंतजार करना पड़ा, कई लोग तो इंतजार कर रहे हैं ऑल्ट्रोज का टर्बो वेरियंट आएगा और तब हम लेंगे, लेकिन उससे पहले लोगों के पास और भी अच्छे अच्छे ऑप्शन है, वो उसमें शिफ्ट कर जाएंगे। वेन्यू है उनके पास, उनके पास ग्रैंड आइटन का टर्बो वेरियंट है, काफी सारे ऑप्शन मार्केट में अवेलेबल हैं, तो इंतजार नहीं करती है पब्लिक। वैसे ही ऑटोमेटिक का इंतजार करते करते हम लोग थक गए, ऑल्ट्रोज में ऑटोमेटिक आने वाला है, आने वाला है। अब अगर हम मोटा मोटे तौर पर चौथे पॉइंट की बात करते हैं जो कि आज समय की डिमांड है, लोगों को चाहिए, वो है भैया आफ्टर सेल सर्विस, या यूं कह लीजिए कि सर्विस। आप लोगों को ये वर्ड जो है थोड़े से कड़वे लग सकते हैं, मैं समझ सकता हूँ, लेकिन टाटा को यहाँ पर भैया मेरे को लगता है कि घंटा फर्क नहीं पड़ता। जैसे कि हमने लोगों के बारे में, लोगों से विचार जाने उनके, तो वो सर्विस को लेकर के काफ़ी परेशान थे यहाँ पर। लेकिन एक चीज़ को लेकर के मैं वास्तव में महिंद्रा की यहाँ पर तारीफ करना चाहूँगा रवि, कि उन्होंने इस मामले के अंदर जो है वो अपनी साख बचा रखी है। टाटा का तो ये मतलब है कि गाड़ी लेने के बाद आप जियो या मरो, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। शिकायतों का भी इतना जल्दी निपटारा नहीं हो रहा है यार, ऐसे नहीं होता है, करना पड़ेगा आज के दिन। यहाँ पर लोगों को 2-3 साल हो गए हैं यार बोलते बोलते कि सर्विस अपनी सुधारो। इनफैक्ट जो टियागो की सेल्स जो शुरुआत के अंदर इतनी अच्छी थी, लेकिन बाद के अंदर गिरावट इसी वजह से हुई है कि सर्विस के अंदर थोड़ा सा कमी पेशी देखने को मिलती है। बिल्कुल सही बात है। और पांचवा पॉइंट थोड़ा सा सोचने वाला है, भारतीय कंपनियां होकर भारतीयों की नीड को ना समझ पाए, ये बहुत ही बुरी बात है और हमें भी काफी फील होता है। किया को ही देख लो, काफी इनोवेटिव प्रोडक्ट को लेकर आए और काफी अच्छी मार्केट रिसर्च करी उन्होंने, और इस दम पर, सिर्फ एक प्रोडक्ट के दम पर, प्रोडक्ट कौन सा था, 10 लाख से ऊपर वाली वैल्यू का प्रोडक्ट था, उसके होने के बावजूद भी अच्छी अच्छी कंपनियों की जड़ें हिला दी हैं। लेकिन उसके बाद भी कोई ऐसे कोई साइंस नहीं है, कोई ऐसे सुधार के कुछ ऐसी चीजें हमें देखने को नहीं मिल रही है कि ऐसा होगा, किया की तरह जो है मार्केट रिसर्च करी जाएगी और उसके हिसाब से काम किया जाएगा और उसके हिसाब से प्रोडक्ट दिया जाएगा मार्केट के अंदर। मेरे को रवि क्या चीज लगती है कि ये जो अपना इनका मेन जो फोकस है वो कमर्शियल व्हीकल्स की तरफ है, ठीक है, पैसेंजर व्हीकल को एज ए साइड बिजनेस लेकर के चल रहे हैं, लेकिन अगर इनका यही रवैया रहा आगे भी तो वहां पर भी इनको तगड़ी कंपटीशन देखने को मिलेगा, क्योंकि यार जो विदेशी कंपनियां वो जो अपॉर्चुनिटी की तलाश में रहती हैं कि कहां पर खाली है वो वहीं पर आकर के धमक जाती हैं। और कई ऐसी कंपनियां आ भी चुकी है कमर्शियल सेगमेंट में जो कि काफी अच्छी टक्कर भी दे रही है यार इनको। तो यहां पर सेफ्टी की भी बात करी जाए, और हमें सबसे ज्यादा गर्व ये है कि हमारी जो इंडियन कार कंपनी है वो सबसे ज्यादा सेफ प्रोडक्ट बना रही है, जो कि खरी भी उतर रही है अपनी सेफ्टी में। आपने कई एग्जांपल भी देख लिए होंगे, लेकिन सिर्फ एक सेफ प्रोडक्ट बनाने से कुछ नहीं होता, क्योंकि इंडिया में ऐसे भी लोग हैं जो कि चलती हुई लाइन में बिजली के खंभे से बिजली चुरा लेते हैं कांटा लगाकर। वो लोग सेफ्टी को क्या समझेंगे। ट्रू यार, जो चीजें आज हमने इस वीडियो के अंदर बताई आप लोगों को, अगर दिमाग से सोचोगे तो आपको थोड़ी सी कड़वी लगेंगी लेकिन सच लगेंगी। हमारा मकसद ये है कि हमारी इंडियन कंपनियां जो हैं वो आगे बढ़ें। अगर कंपटीशन के अंदर टिकना है तो इन सभी कमियों को पूरा करना पड़ेगा, और स्पेशली ये कि हम चाइनीज प्रोडक्ट को कभी भी प्रमोट नहीं करेंगे, चाइनीज कंपनियों को तो कम से कम पीछे छोड़ना ही छोड़ना चाहिए। तो ये थे हमारे ओपिनियन, और ओपिनियन जो है हमारे काफी जो है सोचे समझे हैं, और हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग जो अपने हैं कमेंट के थ्रू हमें बताइए कि और क्या क्या कमियां हैं जिसमें सुधार करना चाहिए इंडियन यानी कि देसी कार कंपनीज को। जी हाँ, तभी स्वदेशी को बढ़ावा मिलेगा। तो दोस्तों मिलते हैं ऐसी किसी नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो के अंदर, और इसी मैसेज के साथ कि अगर 4-व्हीलर चलाते हैं तो सीट बेल्ट जो है वो जरूर डालिएगा, 2-व्हीलर चलाते हैं तो हेलमेट जरूर पहनिएगा। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।